दोस्तों, बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभय जी हमारे साथ हैं। इनकी आने वाली फिल्म 1.5 लाख का दुल्हा कैसा होगा, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। इंटरव्यू हम आगे बढ़ाएं, इसके पहले स्टार कास्ट कौन कौन से है उस बारे में दर्शकों को बताइए। जी हमारी फिल्म में है अखिलेंद्र मिश्रा जी हैं, और इश्तियाक खान, एहसान खान, हर्षिता पानवार, और अपना ध्रुव छेड़ा, और मैंने खुद भी एक्टिंग की है। तो अगर वो स्टार कास्ट देखेंगे तो कैरेक्टर आर्टिस्ट सारे बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही उम्दा है। सर आपकी फिल्म आने वाली है, अगर मैं टेलर देख के बात करूं तो बहुत कॉमेडी लग रही है। जी जी। क्या ये पिक्चर कॉमेडी है या जो समाज की कुरीतियां हैं जो शादी को लेके उस पे प्रहार कर? नहीं नहीं सर, ये ड्रामा कॉमेडी है, और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें समाज को लेकर जो दहेज प्रथा या दूल्हे का डिमांड की बात होती है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। बड़ा यूनिक कहानी है, आप जब देखेंगे तो आपको बड़ा अलग लगेगा, और लगेगा कि यार यहाँ तो 1.5 लाख का दूल्हा जो है वो न बिक रहा है न वो मांग रहा है। 1.5 लाख का दूल्हा क्यों है, ये जब थिएटर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, और बहुत अलग लगेगा, लगेगा कि यार ऐसी कहानी, ऐसी भी इसमें भी कहानी बन सकती है, ये आपके लिए बड़ा कमाल का होगा सर। सर और एक जो मार्केट में जो लोगों के बीच में चर्चा है 1.5 लाख का, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा सर ये जो टाइटल आया कहाँ से, किस प्रकार से आपने इसे पूछा? 1.5 लाख का दूल्हा एक्चुअली जो कहानी नहीं है हमारी फिल्म की, कहानी पूरे कहानी का जो सार होता है उसी से निकल कर ये बना है 1.5 लाख का दूल्हा। इसमें जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताऊँ कि कोई महीने में 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, या कोई इस तरह से चीजें हैं कि जो कमा रहा है उसी पे उसका बोलते हैं भाई ये तो फलाने हैं लाख रुपए का आदमी है, ये आदमी साल में करोड़ रुपए करोड़पति आदमी है। तो ऐसे ही जो जनरली होता है ऐसे ही ये दूल्हा जो है 1.5 लाख का है, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो फिल्म में दिखाया गया है कि लोग समझ रहे हैं कि ये दूल्हा जो है 1.5 लाख का है। सर थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि इस प्रकार की कहानी, थोड़ा सा और कुछ डिटेल दे। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आपको बताना चाहूँ मैं कि कहानी में क्या है कि 1.5 लाख का दूल्हा, जैसे आपने हमसे पूछा कि इसमें दहेज से संबंधित या दूल्हे का डिमांड, ये कुछ नहीं है। सबसे कमाल की बात है, ये फिल्म इंडस्ट्री वालों को ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आज तक आप देखे होंगे फिल्म बड़ी बड़ी बड़े बड़े मेकरों ने बनाया है, फैशन को दिखाया है, ग्लैमर को दिखाया है, और अंदर की चीज़ें बहुत सारी दिखाई। कभी चर्चा आपने सुना कि पर डे की चर्चा हुई हो, एक एक्टर एक्टर जो है सीरियल आर्टिस्ट का पर डे एक दिन का क्या होता है, एक टेक्नीशियन क्या मिलता है, महीने की सैलरी क्या होती है, एक बोलते हैं असिस्टेंट की सैलरी क्या होती है, इसकी चर्चा नहीं होती है। इस पर लोग बड़ा भ्रमित होते हैं अगर आप देखेंगे, जबकि मैं बताना चाहूँगा सारे हिंदुस्तान के लोगों से कि एक एक्टर जो होता है उसका इनकम फिक्स नहीं होता कि इंडस्ट्री में आ गया, एक शो पकड़ लिया तो उसका एक शो में अगर 4 लाख रुपए मिल रहा है मंथली तो 4 लाख पूरा जीवन मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। अगर उस सीरियल में उसने एक महीना काम किया तो एक महीने का ही सैलरी मिलेगा, अगर उसने 10 महीना काम किया 10 महीने का ही सैलरी मिलेगा, अगर 2 दिन का काम किया तो 2 दिन का ही सैलरी मिलेगा, उसके अलावा 1 रुपया नहीं मिलेगा। कभी कभी क्या होता है भाई साहब, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको पता ही है इंडस्ट्री के बारे में, तो आप तो बहुत ही बारीकी से सब जानते ही हैं। क्या होता है कि एक एक्टर आया स्ट्रगल करने, उसको एक शो में काम मिल गया और उसको एक दिन का मिला पर डे 10,000 रुपया, 10,000 मिला तो वो खुशी के मारे नया बंदा है और घर पे फोन कर दिया कि हाँ बाबूजी काम मिल गया है, कल शूटिंग है और 10,000 रुपया हमको मिल रहा है। तो बाप बोलता है यार लड़का हमारा गया और इतनी जल्दी 10,000 ये पर डे पाने लगा, और उसके दिमाग में आता है कि एक दिन का अगर 10,000 पर डे पा रहा तो महीने कितना हो गया, ये तो महीने का हो गया, बोलते नहीं कि 3 लाख रुपया हो गया। तो उसके दिमाग में आता लड़का जो है 3 लाख मंथली कमाने लगा, या दोस्तों को बताते हैं भाई मैं तो यार चक्कर क्या है एक शो कर रहा हूँ और वो शो में यार मुझे पर डे 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो उसका दोस्त भी छोड़ लेता है 10,000 रुपया महीने के, अरे बहुत सही गुरु, मतलब 3 लाख रुपया महीने आ रहा है। उसको नहीं पता वो बंदा सिर्फ 2 दिन ही काम किया है, 20,000 रुपया ही आया है महीने में, और उसके बाद 4 महीना घर पे बैठा रहा, रूम का रेंट किसी और से उधार मांग के दे रहा है, समझे ना, राशन ठीक से भरवा नहीं पा रहा था। ये जो अंदर का होता है ना, ये कहानी सबको पता नहीं होता, ऊपर ऊपर का पर डे लोगों को ज्यादा लगता है। सर इसमें आपने 3 भूमिका निभाई। जी सर। आपने राइटिंग की है। जी। एक्टिंग की है। जी। डायरेक्टर भी आप हैं। जी जी। किस किरदार को, यानी कि डायरेक्टर है या फिर आपने राइटिंग की या अभिनय किया, किस चीज को आपने ज्यादा एंजॉय किया? सर मैं एक्चुअली एक्टर तो आप जानते ही हैं, मैं स्टार्टिंग से एक्टिंग कर रहा हूँ, अभी भी एक्टिंग ही कर रहा हूँ, तो एक्टर तो मैं हूँ जन्मजात ही समझ लीजिए, और तो एक्टिंग को मैं इंजॉय करूंगा ही। दूसरी चीज सर, इस फिल्म को मैंने ही लिखा है, कहानी मैंने ही लिखा है,
कहानी से बड़ी मोहब्बत रही है मुझे, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी और मैं इसको खुद बनाना चाह रहा था। जब मैं इसको चाह रहा था बनाना तो जहाँ चाह वहाँ राह, तो डायरेक्शन भी मैंने किया है, तो मैं अपना बच्चा है तो उसको पालने पोसने में तो कोई कमी करूँगा नहीं, तो मैंने हर चीज़ बड़ी जी जान से करने का प्रयास किया है सर, ताकि लोग इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर सकें। सर आपको ज़्यादा करके लोग कॉमेडी की तरह से पहचानते हैं जी सर जी। अब शायद आपको एक बेहतर एक डायरेक्टर के हिसाब से आप जानेंगे सर, तो आप क्या चाहते हैं कि अच्छा डायरेक्टर चाहते हैं अच्छा कॉमेडियन चाहते हैं सर? मैं तो दोनों चाहूँगा कि दोनों जगह मुझे प्यार मिले। आप एज ए एक्टर मुझे आप लोग प्यार करते ही हो, एज ए डायरेक्टर भी मैं चाहूँगा जैसे मुझे एज ए एक्टर प्यार मिलता है वैसे मुझे एज ए डायरेक्टर प्यार मिले, ताकि मैं लगातार फिल्में डायरेक्ट करता रहूं और आप लोगों का प्यार पाता रहूं। सर कहानी बनके तैयार है जी, अब इसके प्रमोशन किस प्रकार से होंगे? सर प्रमोशन जो है अब चालू हो गया है, नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे तो होर्डिंग वगैरह लग गया है और बहुत सारी जगहों पर देखेंगे तो हमने पुराना सिस्टम अपनाया है कि वो ठेले पे वो छोटी गाड़ी हाथी गाड़ी होती है ना, उस पे साउंड लेकर माइक में कि आ रही है घायल घातक जैसे पहले पुकारा जाता था, उस तरह से हमने प्रचार चालू कर दिया है और अलग अलग शहर में जा रहे हैं हम लोग, पूरी टीम लेकर जा रहे हैं प्रचार के लिए और घूम घूम के प्रचार अलग अलग हमने स्ट्रेटजी अपनाया है, तो ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फिल्म लोगों तक पहुँच सके। सर ऑडियंस कौन सी टारगेट कर रहे हैं, नॉर्थ की या फिर दिल्ली? एक्चुअली क्या सर, मैं तो ये कहूँगा कि जैसे कि अगर नया मेकर होता है और थोड़ा बजट कम होता है तो लोगों को ये लगता है कि ये फिल्म जो है निचले तबके वाले देखेंगे, ये फिल्म ठेले वाले देखेंगे, ये फिल्म सब्जी बेचने वाले देखेंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं कंटेंट अच्छा है, कुछ नया आ रहा है, तो इसको अरबपति भी देखे, खरबपति भी देखे, करोड़पति भी देखे, फुटपाथ वाले भी देखे, अच्छी चीज़ सबको देखनी चाहिए और उसको कोई भी अगर कोई अगर मेकर जेन्युइन मेकर रहेगा वो यही बोलेगा भैया मैं तो अच्छी फिल्म बनाया हूँ और मेरा टारगेट पूरा हिंदुस्तान है न कि कोई एक तबका, तो मेरी फिल्म जो है सबके लिए है, सब थिएटर में है और सबको मजा आएगा। सर ये भी जानना चाहूंगा जब नए मेकर बनाते हैं तो सब्सिडी का भी ख्याल रखते हैं, बरेली की बर्फी को 1.5 लाख का सब्सिडी मिला था, आपने हाँ आपको भी आपने भी ऐसा कुछ सब्सिडी का प्लान किया हुआ? सर मैं तो हौज पौज में रहा लेकिन प्लान तो किया हूँ और अब देखता हूँ कि क्या मिलता है, प्लान क्यों हम लोग तो नए मेकर, अगर सब्सिडी थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी सर आगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इजिली हम चीजें कर पाएंगे, तो आई होप जो है हमने यूपी में शूट किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है हमें सब्सिडी ज़रूर देगी और बाकी तो बस। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे सब्सिडी के लिए आप बोले कि आप सब्सिडी चाहते हो कि नहीं, सब्सिडी मैं चाहता हूं मुझे मिले और मुझे तब सब्सिडी कोई नहीं रोक पाएगा जब बाबा जी सिर्फ इतना बोल देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अभय प्रताप सिंह को उनकी फिल्म 1.5 लाख का दूल्हा जो उन्होंने बनाया है उत्तर प्रदेश में उन्होंने शूट किया है, इस फिल्म के लिए मैं उनको निश्चित रूप से सब्सिडी दिलाने का प्रावधान करूंगा, जय श्री राम। सर आपको सब्सिडी जरूर मिली। सर ट्रेलर तो सब पसंद कर रहे हैं जी, आपके फ्रेंड्स और जो रिलेटिव्स है किस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं? फ्रेंड्स और रिलेटिव ये सब ये आप बहुत करेक्ट क्वेश्चन आपने करा, सबसे बड़ी बात क्या होती है मेरे जो दोस्त हैं मेरे जो घर वाले हैं जो मेरे बहुत चाहने वाले मैंने उनको खुल के बोल दिया है मैंने फिल्म बनाया है, तो ये समझ के बड़ाई नहीं करनी है यार वाह क्या फिल्म बना रही है आ रही है मजा आ गई है, कुछ नहीं आप सही सही बोलो कैसा लग रहा है, तो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को प्यारा लग रहा है, लोगों को अलग लग रहा है, बोले यार वाकई में मजा आ रहा है। सर आपने भी सुना होगा मेरी फिल्म में गाना है गुड्डू नाच, बड़ा कमाल का गाना है, उस पर नॉर्थ में डीजे में इतना खुल के बज रहा है, उसमें गाने का बोल अगर सुनेंगे तो ये गाना गुड्डुओं के लिए मैंने डेडिकेट किया है, गाने का लाइन है ऐसे नाचेंगे गाएंगे हम ढोल बजाएंगे खुशियों का है ये दिन बस रंग जमाएंगे, सब है मगन ये है तेरा लगन तू भी नाच 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 ओ गुड्डू नाच 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 ओ गुड्डू नाच नाच नाच, तो ये गाना शाहिद माल्या ने गाया, बहुत कमाल का गाना है और नॉर्थ में इस समय जो भी शादियां हो रही हैं डीजे में गाना बज रहा है सर, बहुत प्यारा गाना है और मैंने ये गाना हिंदुस्तान के सारे गुड्डुओं को डेडिकेट किया है। सर इसके अलावा और कौन से गाने हैं और किस सिंगर ने गाया है? कुमार सानू जी ने गाया है, कुमार सानू जी बहुत प्यारा गाना गाया है, मुझे लगता है कि कुमार सानू जी का इस गाने के माध्यम से कम बैक होगा, बहुत ही मीठा गाना है जैसे वो जाने जाते हैं, एक बार फिर से आप उनको सुन पाएंगे और उनको आप लोग पसंद करेंगे, बहुत प्यारा गाना है।
सर लास्टली दर्शकों को क्या मैसेज देने वाले हैं? बस मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप लोग जैसे मुझे एज ए एक्टर प्यार करते हैं, प्यार देते रहे हैं, वैसे आप लोग मेरी फिल्म आकर देखें पूरी फैमिली के साथ। और आप लोगों को बता दूं कि यू सर्टिफिकेट है, यूनिवर्सल है, कोई भी देख सकता है और फैमिली फिल्म है, मज़ा आएगा आप लोगों को। पूरी फिल्म कब ख़त्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग थिएटर तक आएँ, फिल्म को देखें और मुझ जैसे नए मेकर को बोल दिया आशीर्वाद और प्यार दें, ताकि मैं इसी तरह से लगातार फिल्में बनाता रहूं। और जो लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म फलाना ढिकाना ये सब चलता उलता है, मेरे जैसे बंधु को आप लोग खड़ा करोगे तो कहां नेपोटिज्म फिर बचेगा, खड़ा करिए आप लोग, बस ये आप लोग की जिम्मेदारी है। जय हो।